उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमन, सम्मानीय मंच एवं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपना पक्ष कुछ इस तरीके से रखना चाहूंगी, क्योंकि टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, फिल्मी मर्दवाद और जो है वो बहुत दमदार है और असली जीवन की सच्चाई। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो सिनेमा है वो एक असली समाज का दर्पण है, वो ऐसी चीज है जिससे हमारा युवा अति इन्फ्लुएंस हो जाता है और वो अपने आप में ही वही चीजें इमेजिन करने लगता है। और मैं बता दूं कि यही सिनेमा से अगर हम कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करते हैं तो यही समाज उसके बुरे प्रभाव से भी बिल्कुल अछूता नहीं है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में मर्दवाद को कुछ इस तरीके से परोसा गया है कि नारी का अबला का कमजोर रूप दिखाकर, उसको निर्भर दिखाकर इस तरीके से परोसा गया है कि समाज में जो महिलाएं उपस्थित है उनकी मानसिकता को कमजोर बना रहा है। मान्यवर महोदय, मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसका सकारात्मक पक्ष भी लेना चाहते हैं कि जैसे हम ले लें कि महिला के जैसे संरक्षण के रूप में, अगर हम उसको सकारात्मक भी लें कि महिला की सुरक्षा के रूप में, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ कथा कथित तौर पर ही सही है। अगर हम उसको वास्तविकता में देखें तो समाज में जो दृश्य है वो बिल्कुल ही अलग है। मान्यवर, अब मैं आपको बता दूं, मान्यवर महोदय, मैं ये बिल्कुल साफ बता देना चाहती हूँ कि जो मर्दवाद है वो सिर्फ महिला तक ही सीमित नहीं है, वो मर्दों पर भी हावी है। वो मर्दवाद जो है वो मर्दों पर भी नकारात्मक छवि बना रहा है। कैसे? इस फिल्मों को देखकर कुछ ऐसे दृश्य बताए गए हैं जो हमारा समाज इमेजिन कर लेता, अरे एक पुरुष के अंदर सारे गुण समाहित होने चाहिए, सारे गुण समाहित होने चाहिए। ये तो बिल्कुल असली जीवन में, क्योंकि हर कोई चीज 100% नहीं होती ना, अगर ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, स्टीफन हॉकिंग जो शारीरिक रूप से बहुत ही विकलांग थे, लेकिन वो अपनी मानसिकता और मानसिकता के बल पर ऐसा योगदान देके गए हैं कि आज उन्हें पूरा विश्व याद करता है। मान्यवर, अगर हम इसको सकारात्मक रूप में भी देखें फिल्म से जोड़कर, तो ये बिल्कुल भी वास्तविकता की सच्चाई कुछ अलग ही है। मैं ये भी बता देती हूँ कि जो फिल्म में दर्शाया गया है ये नहीं है कि सारी फिल्में ऐसी हैं, फिल्मों में भी कुछ मूल्य बातें होती हैं जिसका हम पालन कर सकते हैं। कबीर सिंह जैसी मूवी, इसकी आलोचना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अब आते हैं असली जीवन पे, असली जीवन की सच्चाई। लेट मी क्लियर की अगर हम अपने घर से ही शुरू करें तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मानना ऐसा है, और शायद आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है कि दुर्गा, माँ दुर्गा की अपन पूजा करते हैं, माँ दुर्गा राक्षस का वध कर रही है, किंतु वो राक्षस किस प्रवृत्ति के? पुरुष। तो महिला और पुरुष दोनों आज साथ में खड़े हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं मर्दवाद हावी है? आज नारी को भी वही अधिकार मिले हुए हैं। लेट मी क्लियर कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। अगर बॉलीवुड से संदर्भ रखा गया है तो मैं बता दूं, बॉलीवुड की सबसे लीड और हाई पेड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण है। अगर आप समर्थन में है तो बोलिए ना, मर्दवाद कहां हावी है? नारीवाद भी इक्वली साथ में चल रहा है, और सबसे पहला मत अधिकार का जो वोटिंग राइट मिला है वो हमारे भारत में ही महिलाओं को दिया है। तो ये आप नहीं कह सकते कि मर्दवाद ही हावी है। नारी और पुरुष दोनों, जैसे उनने कहा कि जो गाड़ी चल रही है वो दोनों पहियों पर चल रही है, आज हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में नारी भी साथ खड़ी हुई है। माँ दुर्गा को देख लीजिए चाहे आप, और सबसे बड़ी बात, लेट मी क्लियर, क्या आपको कोई देश ऐसा पता है जिसके आगे माँ का नाम से संबोधित किया जाता है? विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके आगे माता के नाम से संबोधित किया जाता है, किंतु हमारे देश को भारत माता के नाम से जाना जाता है। मान्यवर, आज तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यही कहती हूँ, जो चेंज ला सकते हैं वो हम लोग हैं, जो चेंज ला सकते हैं वो हम लोग हैं, हम लोग ही समाज को परिवर्तन की ओर ले जा सकते हैं। और सिर्फ इसमें जो संदर्भ लगाए गए कबीर सिंह, उसके लिए मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो ये मूवीज होती है कबीर सिंह या कोई भी अन्य मूवी, तो वो है ना एक शिक्षा प्रद भी होनी चाहिए, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रद भी होनी चाहिए, जिससे वो सकारात्मक इफेक्ट डाले, सकारात्मक प्रभाव डाले सोसाइटी पे, जिससे युवा ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो और कुछ शिक्षा ही प्राप्त करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।